हेलो दोस्तों, वापस से उस बोरिंग डायलॉग पर जाने के बजाय मैं सीधा आपको सिंपल सी एक बात बोलूँगा कि देखो, अब हिंदुस्तान बहुत मज़ेदार मुल्क हो गया रहने के लिए, और वो सारे मज़े जिनको मैं मौज कहता हूँ वो लेके एक बार फिर से आ गया हूँ आपके पास इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। और हाँ, मैं हूँ संजय राजौरा। दोस्तों, मार्केट में एक नया जंतु आया है, नाम है पेगासस। सुन के ही लग रहा है कि किसी प्यारे से मासूम से लैब्राडोर का नाम है जो पुलिस और सीआरपीएफ वगैरह यूज करते हैं एयरपोर्ट्स पे सूंघने के लिए कि कहाँ पे कोई संदिग्ध चीज़ है, वो कुत्ता सूंघ के निकाल लेता है। ठीक वैसे ही ये पेगासस है, जैसे पुराने ज़माने में, पुराने में क्या, अभी भी कुछ छिछोरे किस्म के लड़के होते थे जो लड़कियों का नंबर मिल जाए तो उनको मिस कॉल मारते के परेशान करते रहते थे, कहना कुछ नहीं है। ऐसी ये पेगासस भी मिस कॉल मारता है आपको और आपके फ़ोन में घुस जाता है, फिर आपके फ़ोन के अंदर जो भी आपकी प्राइवेसी है वो निकाल के उसको रेप्लिकेट करके जिसको देखना है वो देख लेता है, जिसने भी आपके फ़ोन में वो डाला है। मेरा कहना है कि यार, इंडियंस को इतनी शिकायत नहीं करनी चाहिए, इंडियंस को प्राइवेसी से क्या लेना देना है यार। वैसे ही मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस सेलिब्रेट जॉइंट फैमिलीज। हमारे यहाँ फिल्में बनी है हम साथ साथ हैं, जिसमें मतलब 15-15 20-20 लोग साथ में रह रहे हैं, मतलब और तो और घर में काम करने वाले भी साथ में रह रहे हैं, पड़ोसी भी साथ में रह रहे हैं, और सबके सब हनीमून मनाने भी साथ में ही जाते हैं। एक कपल की शादी, पूरा परिवार ही हम साथ साथ हैं हो गया वहाँ पे। तो हमारे यहाँ तो प्राइवेसी के लिए कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। क्यों क्यों शिकायत कर रहे हो? अगर लड़का लड़की घर में बैठ के एक दरवाज़ा बंद करके कुछ पढ़ भी रहे हैं तो जल्दी से मम्मी या पापा आके दरवाज़ा खटखटाने लग जाएंगे, दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? अब वो बोलेंगे कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो बोलेंगे पढ़ाई करने के लिए दरवाज़ा बंद करने की क्या जरूरत है, खोल के रखो थोड़ा सा दरवाज़ा। और अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं, किसी की मम्मी इतनी ज्यादा इंट्रूसिव नहीं दिखाना चाहती अपने आप को, तो हर हर 15 मिनट में आती रहेंगी पूछने के लिए कि चाय पीनी है, चाय बना लूं, कुछ खाना है। वो खाली चेक कर रहे होते हैं कि आप कुछ मतलब गुटर गुट तो नहीं कर रहे वहां पे ना, तो हमें प्राइवेसी से क्या लेना देना। लेकिन जो इसके सपोर्टर्स हैं उनको भी ना थोड़ा संभल के बात करनी चाहिए। जैसे कि आरती टिक्कू जी का एक ट्वीट पढ़ा था मैंने, उसमें वो लिखा था कि हम अमेरिकन स्नूपिंग कंपनी जैसे गूगल और फेसबुक, इनको तो अपना डेटा देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हमारी अपने अपने रूलर्स हमको स्नूप करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये तो वही बात होगी कि जब हम मोहल्ले में भर में पिट के आते हैं तो जब अपने घर वाले भी पीट रहे हैं तो आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो? आपको खुश होना चाहिए कि अपने घर वाले भी पीट रहे हैं, जबकि मेरा मतलब ये है कि अगर मोहल्ले में आप पिट रहे हो तो घर में तो कम से कम प्यार मिलना चाहिए आपको। लेकिन ये आरती टिक्कू जी का कहना है कि चाय आपकी ठुकाई हुई है बाहर अच्छे से, आपकी घर में भी होनी चाहिए। जब आपने वहां कंप्लेन नहीं किया तो आपको यहाँ पे भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, ये रूलर वर्ल्ड का क्या मतलब है यार? हमने 1947 में रूलर को भगा दिया था, उसके बाद हमने सोचा था इट विल बी डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। हम रूलर होंगे और जो हमको हमारे ऊपर जो सरकार बैठी होगी वो एक्चुअली में हमारी नौकर होगी। मतलब ये रूलर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो प्रॉब्लम यही है कि जो डिफेंस में जो लोग आते हैं, जो सरकार के समर्थन में जो लोग आते हैं ना, वो उनकी जबान पे लगाम नहीं है। मतलब वो तो बोल के चले जाते हैं, एम्बेरसमेंट होती है हमारे प्रधानमंत्री जी को। मतलब वही ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, मालिक तो महान है लेकिन चमचों से परेशान है। वो पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ स्नूपिंग बाय द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इजरायली स्पाईवेयर पेगासस। आप सब लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि एक बहुत जाने माने फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी साहब हैं, जो जिनका काम खुद इतना लाजवाब, इतना बोलता है उनका काम कि उनकी तस्वीरें मतलब आपसे आके आपके इन योर फेस आपको बताती हैं कि असलियत क्या है, देश की असलियत क्या है। और वो अफगानिस्तान में अपने काम को करते हुए वो मारे गए। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट तक ने उनकी फैमिली को टेलीफोन करके अपनी कंडोलेंसेस दी है। हमारे वाले थोड़े बिजी हैं, मतलब अफगानिस्तान वाले प्रेसिडेंट के पास कोई काम है नहीं, ठीक है, वो तो बैठ के वहाँ पे ताश रमी खेलता रहता है, तो उसने सोचा बीच में चलो ये फ़ोन भी कर देते हैं। हमारे वाले को बहुत काम है, बहुत बिजी हैं उनको, मतलब और कुछ नहीं तो दाढ़ी बाल मेंटेन करना आसान काम थोड़ी है यार, इतने लंबे लंबे इनकी लेंथ होके रखी हुई है, इतना टाइम थोड़ी है कि वो ऐसे मतलब किसी को भी ट्वीट कर देंगे कि कंडोलेंसेस देने के लिए। हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मालिक तो महान है चमचों से परेशान है। मधु कीश्वर ने एक ट्वीट किया बड़ा ही अजीब सा, कि क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दानिश सिद्दीकी की फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प करी जाएगी, तो मधु कीश्वर की गुस्सा आ गया खामखा कि टैक्स पेयर के मनी को जिहादी को क्यों दे रहे हैं। मधु किशोर जी, जहाँ तक कि मुझे याद है आप भी एक मतलब मैगजीन निकाला करते थी मानुषी करके, जिसको हमने भी खूब पढ़ा है, और आपको भी एक तरीके से जर्नलिस्ट कहा जा सकता है।
अब एक जर्नलिस्ट जिहादी कैसे हो गया? जिहादी का मतलब वो आपको पता है या नहीं है, या मतलब कहीं पे भी ठूस दिया, जो भी मुसलमान दिखा तो वो जर्नलिस्ट है तो जिहादी है, फिल्म मेकर है तो जिहादी है, एक्टर है तो जिहादी है, क्रिकेटर है तो जिहादी है, तो ये फिर आप करके एम्बरेसमेंट करते हो प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनको उनसे सब सवाल पूछते हैं कि आपने कैसे कैसे गुर्गे पाले हुए जो इस तरह की बातें करते हैं, तो थोड़ा सा संभल के बात करो। और जिहादी का मतलब क्या होता है वो मतलब समझ लो आप पहले, और फोटो जर्नलिस्ट क्या होता है वो भी समझ लो आप, इतनी बेसिक चीज तो आप कर सकते हो ना। जाने जा रही है यूनाइटेड नेशंस में उस पत्रकार की हत्या की निंदा की गई है। चलिए बहस को आगे ले चलते हैं, वन ऑन वन नहीं है, वन ऑन वन नहीं है। दोस्तों जब जब मैं हिंदुस्तानी मर्दों को की हरकतों से वो हो जाता हूँ कि भाई अब इससे ज्यादा और कोई ऊंचाई पे ये नहीं पहुंच सकते, बुद्धिजीवी ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते, तभी मेरे को हिंदुस्तानी मर्द आके सरप्राइज कर देते हैं अपनी अकल से, अपनी सोच से, और ये बता देते हैं कि अभी हम और ऊपर जाएंगे। कुछ लोग उसको नीचे जाना बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर जाना बोलता हूँ कि अभी हम बेंचमार्क और रेज करेंगे। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में मेडल जीता और बहुत सारे लोग बोलने लगे कि बिल्कुल सही वजह से बोलने लगे कि वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि कई बार आप जिम में जाते हो बोलते हो व्हाई आर यू लिफ्टिंग लाइक अ गर्ल, भाई ये लड़की है जिसने ओलंपिक में जो है ना सिल्वर मेडल जीता है, इंडिया को मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, तो आगे से तो ये बोलना बंद कर दो आपके और लिफ्टिंग लाइक अ गर्ल, बिकॉज व्हेन गर्ल्स लिफ्ट दे गेट अ मेडल फॉर द कंट्री। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रहा था हिंदुस्तानी मर्दों की, हिंदुस्तानी एक नायाब मर्द ने आके दिल खुश कर दिया, उसने क्या ट्वीट किया, उसने ट्वीट किया कि ये वुमेन एम्पावरमेंट कुछ नहीं है, इनफैक्ट ये तो उल्टा है इसका, कि 26 साल की अनमैरिड लड़की जो है वो अपने फर्टाइल ईयर्स वेस्ट कर रही है वेट लिफ्टिंग कराने में, ऑलरेडी उसने बहुत कुछ वेस्ट कर दिया है। तो ये भाई साहब ने औरत को उसकी जगह अपने हिसाब से बताने की कोशिश करी है कि आप ये वेट मत उठाओ हैं, क्योंकि आपको करने हैं बच्चे पैदा शादी करके, और ये है आपका काम, वो होती है वुमेन एम्पावरमेंट, वेट हम उठा लेंगे, ये कहना चाह रहे थे। ये बात अलग है कि वेट उठा के मेडल नहीं ला पाएंगे हम, लेकिन ट्वीट जरूर करना है। तो हिंदुस्तानी मर्द एक ऐसी नायाब चीज़ है कि जब जब आप सोचते हो कि भाई इससे ज़्यादा ये और छिछोरी हरकत नहीं कर सकते, वो और ज़्यादा ऊपर छिछोरी हरकत करके आपको ये साबित कर सकते हैं कि दुनिया में कोविड का इलाज हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तानी मर्द का कोई इलाज नहीं है। मीराबाई के हाथ में वेट लिफ्टिंग का वजन है और ये बताने की कोशिश की है, इसे मीराबाई से जोड़कर देखने की कोशिश की है, ये क्रिएटिविटी कही जाएगी, ये सकारात्मकता कही जाएगी कि एक देश कैसे अपने खिलाड़ी की जीत को का जश्न मनाता है, उसे सेलिब्रेट करता है। भारत तो एक मौज है ही दोस्तों, ये तो अब साबित हो चुका है। अब दो उदाहरण और दो तीन उदाहरण मैं दो तो मेनली देता ही हूं आपको, ठीक है। अब जैसे कि अब ये हमारी मीराबाई जी ने वहां पे मेडल जीत लिया है, तो अब इनके सक्सेस की बैंड वैगन पे सब लोग क्लाइम करना चाहेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान में हमेशा होता है, सब उसमें अपना उस केक में से अपना पीस लेना चाहेंगे हैं, क्योंकि वी फर्मली बिलीव जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। अब वो उस बैंड वैगन में सबसे पहले अब शामिल हुए हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा, उन्होंने अपना परचम लहराया है डोमिनोज ने, और वो डोमिनोज ने ये बोला है कि अब मीराबाई को पूरी ज़िंदगी जो है पिज़्ज़ा फ्री दिया जाएगा। भैया वो स्पोर्ट्स वुमन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उसको फिटनेस रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के कहीं पे भी किसी भी कोने में आप ये बता दो अगर पिज़्ज़ा फिटनेस का प्रतीक हो तो, और इंडिया में तो खैर छोड़ ही दो, इटली जहाँ पे पिज़्ज़ा खूब खाया जाता है वहाँ पे भी वो फिटनेस का प्रतीक नहीं माना जाता। और डोमिनोज बोला कि हम मीराबाई को पिज़्ज़ा फ्री देंगे, ना तो उसने खाना है, हैं ना जो है आपने देना है, लेकिन आपने बोल दिया जाके, अगर आप दे भी रहे हो तो उसने खाना नहीं है तो फिर आप देना भी बंद कर दोगे, तो बेसिकली विन विन सिचुएशन आपकी हो गई है। पिज़्ज़ा जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जहर है, और आप स्पोर्ट्स पर्सन को बोल रहे हो आगे कि मैं आपको जिंदगी भर के लिए जहर फ्री दूंगा, तो ये मौज ही है, और क्या कह सकते हैं। मोदी मन की बात जो है वो सही करते हैं, मगर अगर राहुल गांधी जी जैसे नेता जरूरत के समय पर देश की सेवा में लगे होते तो वैक्सीनेशन का ये हाल नहीं होता। हमारी प्यारी मीनाक्षी लेखी जी ने ये बोला है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ काम किया होता ढंग से तो हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की जो सिचुएशन है वो इतनी खराब नहीं होती। मैं फिर बोल रहा हूँ, मालिक तो महान है, चमचों से परेशान है, हैं? मालिक ने आके बोला है कि इंडिया ने वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है, और जो है दुनिया हमसे सीख ले रही है वैक्सीनेशन में, और इन्होंने आके सब गुड़ गोबर कर दिया, बोल दिया कि वैक्सीनेशन की खराब हालत इतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। ये हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो साहिब मसनद हैं वो कह रहे हैं कि भाई उससे जाके पूछो, हम जवाब नहीं देंगे, वो उससे पूछो जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। भाई कभी तो तुम उसको पप्पू बोलते हो, आपने जब उसको पप्पू डिक्लेयर कर रखा है तो आप
यार पप्पू से ही कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हो, डिसाइड कर लो कि वो पप्पू है या नॉन पप्पू है। अगर आप पप्पू से कॉन्ट्रीब्यूशन चाह के अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़िया करवाना चाहते हो तो जो साहिब मसनद हैं वो क्या कर रहे हैं, हैं वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अच्छा है, उनकी मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी कह रही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ। आपस में सलाह तो कर लो यार, मिल बैठ के बात कर लो, चाय वाय पी लो साथ में बैठ के, ताशवाश खेल लो, और आप भी एक मसनद लेके बैठ जाओ कि बताओ हमें कहना क्या है बाहर जाके। एक कह रहा अच्छा हुआ है, एक कह रहा है बुरा हुआ है, और गलती हो रही है राहुल गांधी की, राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू से हमें वैक्सीनेशन भी करवाना है लेकिन है वो पप्पू भी। यार प्लीज डिसाइड, क्योंकि हम बहुत बेवकूफ बन रहे हैं यार। प्लीज आई वॉन्ट द रियलिटी, आई वॉन्ट द ट्रूथ, हु इज पप्पू, हु इज नॉट, इज वैक्सीनेशन प्रोग्राम अ सक्सेस और इज इट अ फेलियर, प्लीज। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपने पहले ही पढ़ रखी होंगी और इस पर मैं अपना टेक थोड़ा सा दे दिया, और इस तरह की खबरें आती रहेंगी और इस तरह की खबरें लाके मैं आपके पास आता रहूँगा, जो आम आदमी की आवाज़ है, जो आम आदमी की भाषा में जो ये मौजें जिसको समझ में आती हैं, जिससे कोई सवाल निकल निकल के आते हैं वो सवाल मैं पूछता रहूँगा। और आप भी देखते रहिए भारत एक मौज। जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमरख बर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। Thank you.